So hello friends, here we are with another session of 7 pages a day, and today we will be doing from next 7 pages. ठीक है, तो आज 50 पेज से स्टार्ट करेंगे. सो इट इज़ डे 8. सो फर्स्ट पॉइंट इज एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव. फॉन इज अबाउट टू फिनिश. ठीक है, तो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव में क्या होता है, दिस इज़ अ रिटन स्टेटमेंट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन. ठीक है, तो जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है वो एक रिटन स्टेटमेंट देता है, एंड उसमें क्या होता है, उसमें डिसीजंस होते हैं अबाउट द इंडिविजुअल्स ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ सीरियस इलनेस और इंजरी. अगर उसको कोई सीरियस इलनेस हो जाती है या इंजरी हो जाता है, तो देयरफॉर उसका पहले से ही एक रिटन स्टेटमेंट बना के वो दे देता है, जिसमें कि जो डिसीजंस होते हैं उसके वो सब होते हैं. ठीक है, इट डेजिग्नेट्स अ पर्सन ऑथोराइज टू मेक डिसीजंस ऑन इंडिविजुअल्स बिहाफ इफ़ द इंडिविजुअल इज अनेबल टू मेक और कम्युनिकेट द डिसीजंस. ठीक है, सो वो एक ऐसे पर्सन को डेजिग्नेट कर देता है, एक ऐसे पर्सन को चूज कर लेता है जो कि इंडिविजुअल के बिहाफ पे उसके डिसीजंस लेगा व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू डू द थिंग्स. ठीक है, जब वो अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है, नहीं कम्युनिकेट पा रहा है, एट दैट टाइम दैट डेजिग्नेटेड पर्सन विल बी टेकिंग डिसीजंस ऑन हिज बिहाफ. द नेक्स्ट इज लिविंग विल. ठीक है, सो लिविंग विल में क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एंड इट इज़ साइंड बाय कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, indicates treatment of life saving measures to be used in individual's ability to make decisions is lost. The document indicates who is authorized to make healthcare decisions if an individual becomes incapacitated. ठीक है, तो लिविंग विल भी सेम उसी की जैसा है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल उसे साइन कर देता है. ठीक है, और ये उसके ट्रीटमेंट और लाइफ सेविंग मेजर्स जो भी उसके बारे में होगा, दैट डिसीजन जब वो नहीं ले पाएगा, वो चीज़ उसके बारे में वहाँ पे लिखी होती है. तो दिस इज़ द लिविंग विल. ठीक है, देन ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी हमने पहले भी डिसाइड किया था. सो इसमें एक ऐसा पर्सन को हम डेजिग्नेट कर लेते हैं जो कि उसके बिहाफ पे वो लेगा क्या डिसीजंस लेगा. सो ही कैन बी एन एजेंट, सरोगेट या प्रॉक्सी या एनी ट्रस्टेड पर्सन हु कैन मेक डिसीजंस ऑन हिज बिहाफ. ठीक है, दिस हेल्प आइडेंटिफाइज द पर्सन हु हेल्प्स टू इंश्योर दैट अ लिविंग विल इज कैरीड आउट. देन नो DNR. ठीक है, डो नॉट रिससिटेट ऑर्डर्स भी होते हैं कई बार पेशेंट्स के. सो अ फिजिशियन मस्ट ऑर्डर, फिजिशियंस ऑर्डर मस्ट बी रिटन फॉर नो कोड. ठीक है, सो फिजिशियन के ऑर्डर होने चाहिए नो कोड के लिए, दैट इज़ द डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर वाले के लिए. फैमिली मेम्बर का एग्रीमेंट होना चाहिए विद दैट नो कोड, एंड फ्रिक्वेंटली इन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट्स एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, स्लो कोड नार्कोटिक्स, नाउ वेंटिलेशन, pull the plug are legal issues that are not clearly defined. Families will ask the doctors to pull all the tubes and life support equipments keeping the patient alive. ठीक है, then death and dying issues, तो कुबलर रॉस के ये डाबडा है हमारा, that is this grief and death reactions. ठीक है, तो इसमें हमारे पांच चीज़ें आती हैं, DABDA. ठीक है, द डी से कम्स द डिनाइल एंड आइसोलेशन, ए से एंगर, बी से बार्गेनिंग, डी से डिप्रेशन एंड ए से एक्सेप्टेंस. तो वॉट इज डिनाइल एंड आइसोलेशन. ठीक है, सो डिनाइल में क्या है, रिफ्यूज़ करेगा टू एक्सेप्ट द फैक्ट. ठीक है, सो इफ़ द पर्सन इज़ डिनाइंग और रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ लॉस, दैट फॉर एग्जाम्पल नो नॉट मी, नॉट माई चाइल्ड, ओके, सो जो डिनाइल फेज होता है उसमें द पेशेंट विल बी नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स. ठीक है, जो लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल नो नॉट मी, मुझे कैंसर हो गया है, मेरे को नहीं हुआ है कैंसर, मैं नहीं बिलीव करता, एंड ही विल गो एंड देन गेट दैट टेस्ट डन इन अनदर फैसिलिटीज, सेम टेस्ट दोबारा करेगा, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, देन कम्स द एंगर, तो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एंग्री एंड क्वेश्चनिंग वाई मी, कि वो इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है खुद से, भगवान से, जो सो भी होता है. सो ही सेज कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ओनली आई एम द पर्सन हु इज़ गेटिंग सफरिंग फ्रॉम दिस दिस दिस. सो वो हो जाता है, एंड इट इज़ द फेज जहाँ पे उसको रियलिटी पता लगने शुरू हो जाती है. ठीक है, तो
नेक्स्ट इज़ द बार्गेनिंग. बार्गेनिंग में क्या होता है, सो द पर्सन चेंजेस फ्रॉम नॉट मी टू येस मी बट वाई नाउ. ठीक है, सो पर्सन जो था पहले जो क्वेश्चन कर रहा था एंग्री के टाइम पे कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, तो अब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मेरे साथ हुआ पर अभी क्यों, इतने जल्दी क्यों. ठीक है, सो आई हैव अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, बिजनेस या पेशेंट प्लीड्स फॉर मोर टाइम टू लिव. ठीक है, माई सन हैज़ जस्ट एंटर्ड द कॉलेज एट्सेट्रा. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ बार्गेनिंग. Then it helps to cope, understand, and bargaining is very helpful to the patient. Help them to set their goals. So this is one thing which we can do in the bargaining phase. Next come the depression. So depression mein kya hoga? Patient will turn self inwards. This will simply say, yes, I am ready to go to give up those she loves. ठीक है, and she has जो भी and for example children, money. This is silent grief and mourning. Be available to the patient in major depressive mood. Reassure them that you can understand their feelings. ठीक है, so depression phase में जब patient होता है he then start feeling depressed. ठीक है, तो उस time पर आपने patient के साथ रहना है क्योंकि he may be in the major depressive moods and he may do something wrong to himself also. ठीक है, so you have to reassure the patient and tell them okay कि you can understand the feelings. The next comes acceptance. So acceptance में क्या होता है, the patient has is ready and accepted death and loss. तो patient ने सब कुछ accept कर लिया होता है, he has accepted the loss, he has accepted his death जो आने वाली है. So the patient will say, I have done all I can, looks at life well spent and thanks the God for thanks they want God to take them or not or to allow them to go. ठीक है, in acceptance they will detach from their family members, they may turn to the wall for example, it is a normal reaction. ठीक है, so acceptance में ये सब होता है. Next is euthanasia. तो euthanasia क्या है, painless action है to end the life of an individual who is suffering from something which is very incurable or terminal diseases है and it is also defined as a good dying. ठीक है, so it is also known as mercy killing. ठीक है, तो patient जो होता है उसको mercy killing दे देता है. This is killing of patients by administering a lethal injection or carbon monoxide and even performed with compassionate intent at request of the pain. ठीक है, euthanasia is deemed immoral and illegal, hence nurses should not participate in euthanasia and it is against the nursing ethics. So euthanasia में हम जो patient को जो कि बहुत terminally ill है या he is incurable and उसके अगर वो खुद ही venti पे है and his attendants want him to die and they want him to be in more pain, so they request you to do so. So इसमें जो nurses हैं they should not participate and as it is against our nursing ethics. तो इसके टू टाइप्स हैं, असिस्टेड सुसाइड एंड एक्टिव यूथनेशिया. ठीक है, सो नोट में क्या है, ओरेगन स्टेट, इन ओरेगन स्टेट असिस्टेड सुसाइड इज लीगल, दैट इज फिजिशियंस आर अलाउड टू परफॉर्म असिस्टेड सुसाइड टू टर्मिनली इल पेशेंट हु विश टू एंड देयर लाइफ. एंड इन 1994 अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन इशूड अ स्टेटमेंट क्लेमिंग दैट असिस्टिंग इन यूथनेशिया suicide or participating in active euthanasia are in violation of the code of nursing ethics traditions and good of the profession and its convent society. So therefore nurses are supposed to confront patient who want to end their life. ठीक है, एनक्लेक्स नोट क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ डेथ. हाँ, जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उनके लिए डेथ का मतलब क्या है. ठीक है, सो बर्थ टू वन ईयर, तो बच्चे को उस टाइम कुछ पता ही नहीं होता है, सो देर इज़ नो मीनिंग ऑफ डेथ टू दैट चाइल्ड. ठीक है, वन ईयर से फोर ईयर तक बच्चा थोड़ा समझने लगता है, सो इट मीन्स टेम्प्रेरी सेपरेशन. सो ही सीज डेथ एज अ टेम्प्रेरी सेपरेशन. देन फाइव ईयर्स एंड अबव जो होता है उनको पता होता है, दे आर वेल नोन टू दीज थिंग्स, सो दे रिगार्ड डेथ एज परमानेंट और इरिवर्सिबल. ठीक है, ओके, सो हियर वी स्टार्ट विद रीनल वाला सिस्टम एंड इट इज़ अ गुड सिस्टम, सो वी विल बी कम्प्लीटिंग दिस रीनल सिस्टम ऑल्सो टूडे. सो रीनल सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट इज ब्लड केमिस्ट्री सच एज BUN, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एनालिसिस, विल इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट. सो दीज विल टेल यू अबाउट द किडनी का फंक्शन,
ठीक है, वेदर इट इज़ एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स और नॉट. देन रीनल कंसंट्रेशंस जो होती हैं वो हमारा जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से होता है, ठीक है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कंसंट्रेशन के लिए देखते हैं, मोर द स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर इज कंसंट्रेटेड द यूरिन, ठीक है, एंड लेसर द स्पेसिफिक ग्रेविटी द मोर डाइल्यूटेड इट विल बी, ठीक है. सो हमारा जो नॉर्मल रेंज है इट इज़ यहाँ पे 1.003 से 1.035 दिया है, बट इन डिफरेंट बुक्स आई हैव रेड 1.010 से 1.030 तक, ठीक है. सो इंट्रावेनस पाइलोग्राम IVP होता है, जो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको किडनी का विजुअलाइजेशन के लिए एक डाई इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है. सो दैट यू द डॉक्टर्स कैन सी द प्रेजेंस एब्सेंस लोकेशन साइज कॉन्फिगरेशन ऑफ ईच किडनी, ठीक है, एंड वो फिल कर देता है पूरा रीनल पेल्विस को एंड आउटलाइंस द यूरेटर्स ऑल्सो. सो बिफोर द प्रोसीजर यू हैव टू चेक फॉर द एलर्जी टू आयोडीन, सेलफिश और एनी ऑफ द सी फूड, ठीक है. तो अगर सी फूड से या शेलफिश से या फिर पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको बताएं आगे, ठीक है, क्योंकि देन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द पेशेंट मे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है. देन ऑल्सो IVP के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर में हमें क्या करना है, यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू टेक टू मच ऑफ वाटर, ठीक है. प्लेंटी ऑफ वाटर लेने से क्या होगा, द डाई विल बी डाइल्यूटेड एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू साइटोस्कोपी. साइटोस्कोपी क्या होता है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है यूरेट्रा का एंड ब्लैडर बाय साइटोस्कोप, ठीक है. तो साइटोस्कोप के थ्रू अगर हम यूरेट्रा एंड ब्लैडर को देख रहे हैं, दैट इज साइटोस्कोपी. देन यूरिनलाइसिस करते हैं एंड सेवरल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के लिए करते हैं यूरिनलाइसिस, तो उसमें हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं. डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं, UTI के लिए करते हैं, किडनी ट्रॉमा के लिए करते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में करते हैं. ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में हम क्या चेक करते हैं, प्रोटीन देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो बॉडी है उससे प्रोटीन यूरिन के थ्रू प्रोटीन बाहर निकलना शुरू हो जाता है. देन यूरिनलाइसिस की फाइंडिंग वुड रिफ्लेक्ट डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई विद द रिजल्टेंट लीकिंग ऑफ प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है. सो यूरिन सैंपल एंड जो लेते हैं हम CNS के लिए, दैट शुड बी वॉइडेड स्पेसिमेन क्लीन कैच होना चाहिए एंड मेनली मिड स्ट्रीम यूरिन प्रेफर करते हैं, ठीक है. एंड उससे भी अच्छा वाला होता है हमारा सुपर प्यूबिक एस्पिरेटेड यूरिन जो होता है, ठीक है. देन या फिर तीसरा जो सैंपल होता है, दैट कैन बी स्टेरिलाइज्ड कैथेटराइज्ड स्पेसिमेन एंड नेवर बैग से कभी सैंपल नहीं लेना, ठीक है. कैथेटर से डायरेक्टली हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं या फिर मिडस्ट्रीम यूरिन का सैंपल ले सकते हैं, और द बेस्ट सैंपल विल बी द सुप्राप्यूबिक एस्पिरेटेड यूरिन, ठीक है. देन द रिजल्ट विल आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल काउंट एज वेल एज एनी इन्फेक्शस एजेंट और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी जो भी है, ठीक है. जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है, दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन फंक्शन एंड इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई ओवर अ 24-hour पीरियड, ठीक है. सो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है बेस्ट टेस्ट होता है, जो कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन फंक्शन को बताता है, ठीक है. हमारा 8th पॉइंट बोलता है, जो बेस्ट इंडिकेटर है ऑफ द स्टेटस ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन इज़ द सीरम. तो क्रिएट लेवल से हमें ग्लोमेरुलस का फंक्शन का बिल्कुल बेस्ट इंडिकेटर होता है. जो रीनल फेलियर है उसमें BUN इंक्रीज होगा, डिहाइड्रेशन में भी इंक्रीज होगा एंड इन केस ऑफ मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो इट विल बी इंक्रीज. पॉइंट नंबर 9 सेज बी फेमिलियर विद हाउ टू कलेक्ट. हाँ, 24-hour सैंपल अगर कलेक्ट करने बोला है देन कैसे कलेक्ट करना है. सो अगर डॉक्टर ने आपको अभी सुबह 6 AM से बोला है कलेक्ट करने के लिए, तो जो पहला 6 बजे वाला यूरिन होगा, यू विल आस्क द क्लाइंट टू एम्प्टी द ब्लैडर एंड दैट यूरिन फर्स्ट यूरिन विल बी डिस्कार्डेड, ठीक है. देन उसके बाद वाले सारे यूरिन को कलेक्ट करेंगे एंड जो एंड टाइम पे है वो वाला यूरिन को भी उसमें एड ऑन करना है, ठीक है. एंड ये हमारा 24-hour यूरिनरी कलेक्शन हो गया, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन. देन पॉइंट नंबर 10 बोलता है, फ्रिक्वेंटली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्कैंटी आउटपुट इन रीनल फेलियर इज लो बिकॉज द किडनी इज अनेबल टू कंसनट्रेट वाटर, ठीक है. तो जो हमारा रीनल फेलियर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दैट इज़ लो बिकॉज द किडनी इज़ अनेबल टू कंसनट्रेट वाटर. तो कंसनट्रेट वाटर नहीं कर पाती है, देयरफॉर उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो होती है, ठीक है.
देन जो रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट है विच रिजल्ट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन विड लीड टू एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर लॉस. ठीक है, तो इफ़ डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा यूरिन आउटपुट लेस है उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी बिकॉज उसमें पार्टिकल्स कंसेंट्रेटेड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे. ठीक है, देन फ्री फ्लो ऑफ यूरिन टुगेदर विद लार्ज यूरिन आउटपुट एंड नॉर्मल पीएच आर एंटी बैक्टीरियल डिफेंसेस. ठीक है, सो फ्री फ्लो ऑफ यूरिन और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट अगर निकल रहा है एंड नॉर्मल पीएच, ये सब क्या है, एंटी बैक्टीरियल डिफेंसेज हैं. किडनी फंक्शंस सच एज पाइलोनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मे रिजल्ट इन किडनी फेलियर. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज क्लाइंट्स एट हाई रिस्क सच एज क्लाइंट विद अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बाउल इनकॉन्टिनेंस और हिस्ट्री ऑफ रीनल रिफ्लक्स. ठीक है, तो किडनी इन्फेक्शन जैसे पाइलोनेफ्राइटिस हो गया और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, सो ये अगर ट्रीट नहीं किए गए तो दे कैन लीड टू किडनी फेलियर. ठीक है, उसकी वजह से किडनी फेलियर आगे हो सकता है. सो इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू रिकोगनाइज दोज क्लाइंट हु आर एट रिस्क, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं हुआ. ठीक है, तो GABS दैट इज़ ग्रुप ए बीटा बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है हमारा, उसकी वजह से पहले तो जो भी पेशेंट होगा उसको ये थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ ऐसा होगा, एंड आफ्टर 2 to 3 weeks इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड इट कैन लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो यू शुड बी एबल टू रिकोगनाइज दीज क्लाइंट हु आर एट रिस्क. ठीक है, देन जिनका बाउल इनकॉन्टिनेंस है. ठीक है, देन इफ़ द हिस्ट्री ऑफ रीनल रिफ्लक्स इज देयर, सो क्या होगा, उसकी वजह से किडनी इन्फेक्शन होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, देन किडनी इन्फेक्शन का एक क्लासिक सिम्टम इज फ्लैंक पेन. ठीक है, जो फ्लैंक आपका पेन हो सकता है. देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है किडनीज का. ठीक है, एंड इंटरफेयर्स विद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है विच इज़ इन चाइल्डहुड. तो GABS जो मैंने बताया उसकी वजह से होता है. ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल. और सबसे पहला अगर कोई पेशेंट आता है विद दिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि वेदर ही वॉज हैविंग दिस सोर थ्रोट 2 to 3 weeks अगो और नॉट. ठीक है, एंड इसमें हम ASO टाइटर भी करते हैं, दैट इज़ द एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर ओ. ठीक है, ये वाला हम टेस्ट भी करते हैं इसमें. देन उसका जो नॉर्मल वैल्यूज होता है इन अडल्ट्स इट विल बी लेस देन 200 एंड इन चिल्ड्रन इट विल बी लेस देन 400. ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम फॉर अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आर हिमेचूरिया एंड प्रोटीन्यूरिया. ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के दीज आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर, स्पेसिफिक क्योर नहीं है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का. यू कैन डिक्रीज द पेन एंड इसको जो हम क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स के थ्रू उसको सही कर सकते हैं. ठीक है, डायट्री मैनेजमेंट क्या होता है, सो इनमें लो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड होता है. डायट्री प्रोटीन को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारा यूरिन से लॉस होता है, दैट प्रोटीन यूरिया होता है यहाँ पे. सो देयरफॉर प्रोटीन को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं. हाउएवर अगर एजोटीमिया है, ठीक है, सो प्रोटीन विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन दैट केस. ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस का अगर केस है सो इट इज़ मेंट दैट अक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है विच कैन बी ड्यू टू बैक्टीरिया ऑफ द पेरेन्काइमा और पेल्विस ऑफ द किडनी. ठीक है, तो या तो पेल्विस में या पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी पे इन्फेक्शन होगा, दैट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस. एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारा वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है. ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इज किडनी पेन, फ्लैंक पेन होगा एंड इम्पेयर्ड सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटीन लॉस विल बी सीन हेयर ऑल्सो. देन ARF इज अक्यूट रीनल फेलियर एंड इसमें क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है ऑलिग्यूरिया. देन यू विल बी सीइंग इंक्रीज्ड BUN, सीरम क्रिएट इंक्रीज होएगा एंड इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल. सो ARF इज रिवर्सिबल, वेयर एज हमारा जो क्रोनिक रीनल फेलियर है इट इज़ इरिवर्सिबल. देन क्लिनिकल असेसमेंट फाइंडिंग्स विद ARF में क्या होता है, देर इज सडन सीजेशन ऑफ यूरिन आउटपुट. ठीक है, सो ARF में हमारी 3 phases होती हैं. फर्स्ट फेज इज़ ओलिग्यूरिक फेज, देन डायूरेटिक फेज एंड थर्ड फेज इज़ रिकवरी फेज. सो फर्स्ट फेज ओलिग्यूरिक फेज में क्या होता है, यूरिन आउटपुट विल बी लेस देन 400 ml फॉर 24 hours. ठीक है, सो दिस फेज लास्ट फॉर 8 to 15 days. ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो फेज आता है दैट इज़ द डायूरेटिक फेज, उसमें बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही सही हो जाता है. सो जो पूरा वाटर इकट्ठा हुआ था बॉडी में दैट
टेंड्स टू कम आउट. ठीक है, सो 4 to 5 liters इन अ डे हमारा यूरिन आउटपुट रहता है एंड दिस इज़ द डायूरेटिक फेज. तो ये 15 से 45 days तक रहता है एंड लास्ट विल बी द रिकवरी फेज जहाँ पे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा चीज़ें. ठीक है, सो इसमें एनोरेक्सिया होता है, वॉमिटिंग होता है एंड एजोटीमिया होता है एंड यू विल सी सडन वेट गेन, क्योंकि फर्स्ट फेज हमारा ओलिग्यूरिक फेज होता है जहाँ पे हमारा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है. ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन मेंटेशन, तो मेंटल एबिलिटी ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो डिस्टर्ब हेयर. देन द क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी किडनी टिश्यू का. ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज हीमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ द किडनी एंड इट इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल. ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर इरिवर्सिबल है. ओनली ट्रीटमेंट इज़ आप या तो उसको दोनों किडनी खराब हो गया है तो देन यू कैन डू वॉट इज ट्रांसप्लांट. देन हमारा आता है CRF में क्या होता है, अमोनिया इन द स्किन एलिमेंट्री कैनाल विच रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इंटरेक्शन विद यूरिया लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा अमोनिया इतना ज़्यादा यूरिया इकट्ठा हो जाता है दैट इट टेंड्स टू कम आउट फ्रॉम द स्किन और स्किन में इसके लीजन्स बन जाते हैं. ठीक है, हमारे किसके यूरिया के. देन CRF में क्या होता है, फॉस्फेट रिटेंशन होगा, सीरम कैल्शियम डिक्रीज होगा, मसल स्पाज़म होगा, टिटैनी होगा, इंक्रीज पैराथॉर्मोन रिलीज होगा एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन यू कैन सी इन दिस. देन इट ऑल्सो रिजल्ट इन वेस्ट प्रोडक्ट रिटेंशन. ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर जाना था ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वो अंदर ही अंदर रहता है. 8 to 25 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, सो इट रिमेन्स इन साइड एंड अंदर रहने की वजह से एजोटीमिया एंड यूरेमिया ये सब कॉज करता है. ठीक है, डिप्रेस बोन मैरो फंक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड सर्कुल RBC का काउंट कम हो जाएगा. वाई, क्योंकि ये एरिथ्रोपोएटिन भी रिलीज करता है हमारा किडनी. सो इफ़ किडनीज आर फेल तो RBC भी कम हो जाएगा, बोन मैरो फंक्शन डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है. ठीक है, देन रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया रहता है, डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन एंड फर्दर डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो फंक्शनिंग. ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, यू हैव टू इंक्रीज द फ्लूइड्स टू फ्लश द किडनी, ऑब्जर्व द इनपुट आउटपुट इनटेक आउटपुट एंड चेक फॉर वॉइडिंग फॉर प्रोटीन ब्लड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो पेरिनियल हाइजीन. ठीक है, देन फॉर द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड रीनल कैलकुलाई. ठीक है, जो आपको सस्पेक्ट करते हैं जिनको कि रीनल कैलकुलाई हो सकता है, यू हैव टू कलेक्ट द यूरिन, यू हैव टू स्ट्रेन द यूरिन एंड चेक द यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टोन एंड जैसे ही स्टोन मिले यू हैव टू सेंड इट इमीडिएटली टू द लैब फॉर फर्दर टेस्टिंग टू नो द नेचर ऑफ द स्टोन सो दैट यू कैन डू द केयर फर्दर. ठीक है, कि अगर यूरिक एसिड स्टोन है तो क्या करना है, इफ़ यू हैव द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन तो क्या करना है, सिस्टीन स्टोन है तो क्या है, देन ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है तो क्या करना है, देन यू विल बी एबल टू प्लान योर केयर अकॉर्डिंगली आफ्टर नोइंग द नेचर ऑफ द स्टोन. ठीक है, तो नर्सिंग केयर यूरिनोलिथियासिस का क्या है, यू हैव टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक एंड डिक्रीज द कैल्शियम इनटेक इफ अप्रोप्रिएट. देन डाइट्स हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं, सम ऑफ द डाइट्स आर मेंशन बिलो. फर्स्ट है अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो वहाँ पे प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना है, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है, पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करना है. हाउएवर यू कैन इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट इनटेक. क्रोनिक रीनल फेलियर में सोडियम कैल्शियम, सोडियम को डिक्रीज़ करना है, कैल्शियम को इंक्रीज़ करना है, आयरन विटामिन BCD इनका इनटेक को इंक्रीज़ करना है. ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है एंड यू हैव टू इंक्रीज द प्रोटीन क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन यूरिया होता है. ठीक है, डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस हमारा मैनेजमेंट है इन केस ऑफ दिस हाइपरकैलेमिया या फिर अक्यूट रीनल फेलियर के टाइम पे. ठीक है, तो डायलिसिस कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी, स्टेशनरी और एम्बुलेटरी, फास्ट या स्लो, इंटरमिटेंट या कंटिन्यूस एंड एक्सेस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. ठीक है, सो डायलिसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो पेरिटोनियल डायलिसिस, इसके जो हमारे तीन वो होते हैं प्रोसेस, तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, ऑस्मोसिस होती है. ठीक है, और हमारा जो ये क्या बोलते हैं डायलिसिस होता है, इसमें हम जब वो डालते हैं
शंट डालते हैं उसको चेक करने के लिए भी होता है. वी हैव टू असेस द असेस या ऑस्कल्टेट फॉर द दिस ब्रूट एंड पैल्पेट फॉर द थ्रिल. ठीक है, ये उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए होता है. एंड ऑल्सो जो हमारा ड्वेल टाइम और जो अंदर रहने का टाइम होगा, इन ड्वेलिंग टाइम एंड द रिकवरिंग टाइम विल बी डिफरेंट. ठीक है, सो फ्लूइड अंदर डालने का टाइम विल बी 10 to 20 मिनट्स एंड जो ड्वेल टाइम है जहाँ पे फ्लूइड विल रिमेन इन द पेरिटोनियल कैविटी, सो 30 minutes to 8 hours इट कैन रिमेन इन साइड योर पेरिटोनियल कैविटी. देन जो आउट होने का टाइम होता है दैट इज 10 to 20 minutes. ठीक है, देन द इफेक्टिवनेस ऑफ डायलिसिस इज मेजर्ड बाई बोथ डिक्रीज इन सीरम क्रियाट एंड बन एंड रिडक्शन इन फ्लूइड रिटेंशन. ठीक है, तो डायलिसिस अगर सही चल रहा है तो आपको कैसे चेक करना है, यू हैव टू चेक द सीरम क्रियाट लेवल, बन का लेवल एंड ऑल्सो द फ्लूइड रिडक्शन. ठीक है, सो 1 kg अगर वेट लॉस हुआ है दैट मीन्स 100,000 ml ऑफ वाटर निकल गया है. ठीक है, पेशेंट अंडरगोइंग एनी किडनी डायलिसिस सफर, हाँ तो जो किडनी डायलिसिस है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है. देन 37 पॉइंट्स में देखो, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं एंड हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है. सो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, हाइपो एल्बुमिनिया हो सकता है, बावल एंड ब्लैडर परफोरेशन हो सकता है. इफ़ यू डिटेक्ट दैट द डायलिसेट इज क्लाउडी देन यू हैव टू स्टॉप द process and immediately call the healthcare provider as it can be a sign of peritonitis. ठीक है, so हमारा और अलग अलग color है, अगर हमारा pale yellow color आ रहा है तो then it indicates bowel perforation and bladder perforation, and अगर brown color आ रहा है तो हमारा bowel perforation भी हो सकता है. ठीक है, then renal calculi which is urolithiasis, they are formation of stones in the renal calluses or pelvis. ठीक है, एंड वो मेनली क्या होते हैं, दे पास टू द लोअर रीजन्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक लाइक यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड मे ब्लॉक द पाथवे. उसके बाद क्लाइंट जो जिनको यूरिनरी कैलकुलाई है, दे विल बी कमिंग विद सीवियर फ्लैंक पेन दैट इज़ नोन एज रीनल कोलिक. ठीक है, पैलर होंगे, स्वेटिंग, सिंकोप होगा, शॉक होगा और वॉमिटिंग ड्यू टू पेन हो सकता है. नेक्स्ट इज रीनल कैलकुलाई में मेन पेन मैनेजमेंट करना है आपने. ठीक है, क्योंकि द पेन इज़ वेरी एक्सक्रूशिएटिंग. ठीक है, एंड समटाइम्स एम्बुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि एम्बुलेशन से पेन विल बी रिलीव. ठीक है, देन यू हैव टू एनकरेज द फ्लूइड इनटेक टू 3 to 4 liters अ डे. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो वो स्टोन है दैट विल बी कमिंग आउट ईजिली. देन यू हैव टू इंक्रीज द एक्टिविटी विच विल हेल्प आउट द स्टोन टू पास एंड फिल्टर द यूरिन विद गॉस. देन डायट्री मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्टोन. ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन है तो लो यूरिन डाइट, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो लो कैल्शियम डाइट, ऐसे हम डाइट को वो करते हैं. ठीक है, देन अगर यूटीआई है तो यूटीआई वाले पेशेंट को यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू शावर रादर देन बेदिंग. ठीक है, तो वो शावर कर सकता है, खड़े होके नहाना कर सकता है, बट बेदिंग नहीं करना है, बेदिंग इन द टब मेनली. ठीक है, तो टब में लेटने से क्या होगा, वाटर वापस इनफ्लो होता है, सो वो यूटीआई को और आगे कैरी आउट कर सकता है. देन टी यू आर पी इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, और ये करते हैं हम प्रोस्टेट टिश्यू को रिमूव करने के लिए थ्रू वजाइना, थ्रू यूरेथ्रा. एंड वेनस ब्लीडिंग इज कॉमन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द प्रोसीजर. ठीक है, तो शुरू के कुछ दिनों में आपको पिंक कलर का यूरिन देखना इज नॉर्मल एंड आफ्टरवर्ड्स द यूरिन विल कम नॉर्मली. ठीक है, सो इसको TURP करने के बाद एक 3-way कैथेटर भी लगाते हैं फॉर इरीगेशन, कंटिन्यूस इरीगेशन करते हैं. ठीक है, ताकि जो भी अंदर का क्लॉट्स वगैरह है दैट विल कम आउट. Then coming to the last page of today's session, so it is TURP में, हाँ जैसे the blood is dark red and it is also less viscous than arterial blood. So you should know about TURP surgery more. So इसमें benign prostate hyperplasias जो होता है BPH, उसमें हम mainly TURP करते हैं. ठीक है, so you can expect impotence after perineal prostatectomy because it involves the nerve transection. ठीक है,
यूरिनरी डाइवर्जन अगर कर रहे हैं ईलियर कॉन्ड्यूट से, तो उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द इम्प्लांटेशन ऑफ यूरेटर्स इनटू अ पोर्शन ऑफ टर्मिनल ईलियम. ठीक है, सो ब्लैडर काम का नहीं होता है तो क्या करते हैं, जो यूरेटर्स होते हैं आपका जो ईलियम होता है उसका टर्मिनल पार्ट निकाल के एक कॉन्ड्यूट बना देते हैं, एक पाथवे बना देते हैं, एक पाउच सा बना देते हैं. ठीक है, सो वहाँ पे और एक स्टोमा भी बनाते हैं सो दैट द यूरिन विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट स्टोमा. ठीक है, देन कॉमन मेथड है यूरिनरी डाइवर्जन का ये, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिकर्स प्रोसीजर. ठीक है, और यूरिनरी सॉरी ईलियल कॉन्ड्यूट करने से फर्स्ट प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज टू गिव एनिमा एंड लेग्जेटिव टू क्लियर द ईलियम. ठीक है, तो बाउल मूवमेंट को पूरा क्लियर करना पड़ेगा आपको, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर द कंड्यूट. ठीक है, पैरालिटिक ईलियस कॉमन है आफ्टर दिस, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर यूरिनरी डाइवर्जन सर्जरी, एंड साइंस ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि चेंज इन यूरिन, उसकी कलर क्लैरिटी, ये आपको देखना है. म्यूकस इन द यूरिन इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड आफ्टर सर्जरी. ठीक है, क्योंकि ईलियम है तो उसमें म्यूकस वगैरह सब रहेगा, सो इट इज़ नॉर्मल आफ्टर द सर्जरी. उसकी क्वांटिटी, स्मेल, स्टोमा चेंज, कलर के लिए, ये सब आपको देखने हैं. इफ़ द कलर ऑफ द स्टोमा इज डस्की या नेक्रोटिक या पर्पल या ब्लैकिश, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द डॉक्टर इमरजेंटली. ठीक है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शिया क्या है, इट इज़ कॉज बाई लीजन इन द हाई थोरेसिक और सर्वाइकल कॉर्ड. ठीक है, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी होने से वी गेट दिस ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शिया. ठीक है, तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा मस्कुलोस्केलेटल में बट नर्वस सिस्टम में, बट आई विल टेल यू हियर. सो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शिया अगर कोई भी पेशेंट को होता है सो इमीडिएट जो एक्शन होता है, यू हैव टू इमीडिएटली एलिवेट द हेड एंड टू 90 degrees. ठीक है, उससे उसका सिम्टम्स थोड़ा रिलीफ हो जाता है, बीपी इमीडिएटली हाई चला जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये एलिवेट करना होता है हेड एंड. ठीक है, एंड इसकी वजह से ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शिया की वजह से क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है इन यूरिन कैथेटर एंड फीकल इंपैक्शन, क्योंकि जो हमारा ये है PNS और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, दे कंट्रोल दिस, डेट्रूसर मसल्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं वो. सो उनकी वजह से हमारा ये जब इंजरी हो गया है स्पाइनल कॉर्ड को तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, देयरफॉर ब्लॉकेज ऑफ यूरिन एक वो रह सकता है. ठीक है, देन टीच द क्लाइंट्स सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अबाउट द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, दैट द कीगल एक्सरसाइजेस बताना है जिनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है. देन पायरिडियम है एक ड्रग विच इज़ गिवन टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या फिर हम इसमें UTI में हम नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन भी दे सकते हैं. एंड उसमें क्या होता है, हमारा जो कलर होता है यूरिन का दैट इज़ रेडिश ऑरेंज इन कलर, एंड यू हैव टू टेल द पेशेंट अबाउट दैट कलर कि यह नॉर्मल होगा. ठीक है, देन ऑल्सो हम रिफाम्पिन जब देते हैं उसमें भी ऑरेंज कलर यूरिन आता है. देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमारा कोका कोला कलर्ड यूरिन आता है. देन हमारा हाँ इतना ही है. ठीक है, चलो और फिर अब हम पढ़ेंगे वो कल का जो नेक्स्ट हमने एक पोर्शन ऐड किया था ड्रग ऑफ चॉइस का. ठीक है, सो येस्टरडे वी स्टडीड अबाउट दीज है. MI में एस्पिरिन, प्रोफाइलैक्सिस, एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग में N-acetylcysteine, एनाफाइलैक्टिक शॉक एड्रेनालिन. ठीक है, मेडिटेरेनियन फीवर में कोलिचिटिन. देन वॉमिटिंग जो कि कीमोथेरेपी की वजह से हो रही है उसमें ओंडासिट्रॉन. सिसप्लैट से अर्ली वाले में ओंडासिट्रॉन, डिलेड में एप्रिटेंट. देन गाउट में हम एनसेड्स देते हैं एस्पिरिन वाला, एंड क्रोनिक में एलोप्यूरिनॉल, एंड हाइपरयूरिसीमिया में एलोप्यूरिनॉल. आज नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव में न्यूली मैरिड कपल के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वेरी गुड. लैक्टेशन के टाइम पे आपने मिनी पिल्स देनी है, जिनमें कि मिनी पिल्स देनी है. ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर लिवोनोर्जेस्ट्रॉल. देन एन एव्यूलेटरी ओव्यूलेटरी फर्टिलिटी में क्लोमिफीन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस एंड एव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी. क्लोमिफीन आप देंगे तो उससे मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में अगर पोस्ट मेनोपोजल है तो एलेंड्रोनेट, एंड स्टेरॉयड इंड्यूस्ड है तो भी एलेंड्रोनेट. देन इन वेमेन विद रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आपको जो मेडिसिन देने हैं दैट इज़ रिलोक्सिफीन. हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी बाई फॉस्फोनेट्स. पेगेट्स डिजीज़ में बायफॉस्फोनेट्स. टिटेनी में कैल्शियम.
इंडक्शन ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन, पोस्टपार्टम हेमरेज में भी ऑक्सीटोसिन, एक्रोमेगैली में कैबरगोलिन एंड ईसोफेजियल वेरिसिस में टेलीप्रेसिन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में कैबरगोलिन, देन एंडोमेट्रियोसिस में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, तो ज़्यादा तो इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप ये पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट। देन एनोविलेटरी इनफर्टिलिटी में प्रोमिफीन, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में एरेंड्रोनेट, देन टिटैनी में पढ़ सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन, पोस्टपार्टम हेमरेज ऑक्सीटोसिन, देन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कैबरगोलिन, देन हमारा एंडोमेट्रियोसिस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मीथोट्रेक्सेट। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू डू टुडे। So that's all for today's part, and thank you so much, and do like the video and इसको forward भी कर सकते हैं आप, and इसको देख के आप like भी कर सकते हैं, and इसमें comment भी कर सकते हैं, and also इसको subscribe भी कर सकते हैं। Thank you so much, bye bye, take care, good night।